नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका WCC3 के नॉकआउट टूर्नामेंट में, जो कि आज का मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस नेपाल। तो भाई, इस टूर्नामेंट के पहले दो मैच हो चुके हैं, ये तीसरा मैच है और ये भी नॉकआउट टूर्नामेंट का मैच है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका रिजल्ट होगा तो क्या होगा। जो टीम हारेगी जाएगी भाई सीधी बाहर, और जो जीतेगी उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो जाएगी सीधा क्वार्टर फाइनल्स में। तो भाई देखा जाए तो एक बड़ी इंटरनेशनल टीम का मैच होने वाला है, एक एसोसिएट टीम से, न्यूजीलैंड वर्सेस नेपाल। लेकिन गेम में भाई देखो, बड़ी और छोटी टीम का कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अगर आपको अच्छा खेलना आता है तो आप बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं, और आपको खेलना ही नहीं आता तो टीम कितनी भी छोटी हो आप आराम से हार जाएंगे सामने। टॉस भाई अपन ने जीती है, जीत के ले ली है बॉलिंग, क्योंकि भाई करेंगे देखो सीधी सी बात है चेस, 5 ओवर का मैच होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आके बस टीम को ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं कि भाई रोकने की चाह रहेगी पूरी की, कम से कम रनों पे रोका जाए। पहला ओवर लेके आए हैं राइट आर्म मीडियम फास्टर, पहली बॉल नेपाल को, क्रीज पे दोनों बैट्समैन, ड्राइव लगाया है ऑन साइड में, 1 रन से भाई क्या बोलते हैं खाता खोल लिया नेपाल ने। क्योंकि यार नया अपडेट आया तब से मैंने अंदरूनी किनारा नहीं देखा, वो मुझे देखना है कि अंदरूनी किनारा लग के आउट होता है ना बैट्समैन, वो बड़ा सेटिस्फिकेशन मिलता है यार उससे। दूसरी बॉल थी भाई मिड विकेट की डायरेक्शन में, खेला था 2 रन मिल गए। नेपाल बड़ी मतलब आराम से शुरुआत कर रहा है, लॉफ्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, अभी कोशिश करने की चाह थी क्योंकि स्टेप आउट किया था बैट्समैन ने। और न्यूजीलैंड की सीधी सी स्ट्रेटेजी ये होगी कि भाई टीम को हल्के में बिल्कुल ना ले, जीतने की पूरी कोशिश हो। उठा के खेला है, परफेक्ट टाइमिंग है, फील्डर मौजूद है लेकिन बन जाएगा दर्शक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। नेपाल को पहला बड़ा शॉट, और शॉट क्या मिला 6 के साथ भाई, कवर्स के ऊपर से बढ़िया शॉट था ये। इसी शॉट के साथ तो नेपाल का स्कोर है भाई, वो पहला ओवर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 10 की रन रेट के पास जाके पहुंच चुका है, गैप निकाला है, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पे, एक्स्ट्रा कवर्स पे। 2 रन की ट्राई थी शायद, मुझे नहीं पता कितने रन भागे, शायद 1 भागा है, बिल्कुल भाई 1 रन भागा है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती है वो थोड़ी आज निराशजनक है नेपाल की, 10 रन बना चुके हैं, 5 बॉल हो चुकी है, फिर से गैप मिला है थर्ड मैन की डायरेक्शन में, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पे लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगी भाई। पहला ओवर कंप्लीट होने के साथ इधर नेपाल के रन हो चुके हैं भाई 11। और विकेट्स वाली जो एक बात की जाए तो विकेट अभी भी 1 भी नहीं मिला है, लेकिन भाई मैं खुश हूँ क्योंकि बॉलिंग है मुश्किल है इसमें, और बॉलिंग से अपन को पड़ जाते हैं कम से कम 20 या 25 रन 1 ओवर में, जो कि मुझे सिर्फ 11 पड़े। दूसरे ओवर का स्टार्ट, उठा के खेला, फील्डर मौजूद है, पहुंच नहीं पाएगी वरना विकेट मिल सकता था पहला, यहाँ पे 2 रन भागेंगे बैट्समैन। तो भाई नेपाल के बैट्समैन बिल्कुल भी विकेट देने को तैयार नहीं है, डिफेंड करके खेल लेंगे लेकिन गलतियां बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि भाई गलतियां करनी नहीं है। देखो हारेंगे तो बाहर जाएंगे, दूसरा मौका ही नहीं है। अगर यहाँ पर बात करते कोई लीग टूर्नामेंट होता या मतलब कुछ और दूसरा टाइप का टूर्नामेंट होता, राउंड रोबिन वगैरह, तो उसमें अपने को दूसरा मौका मिल जाता है, लेकिन यह है डायरेक्ट नॉकआउट। उठा के खेलना चाहते थे, बैट पे भाई बॉल आई नहीं, जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया था क्रीज के अंदर, लाजवाब शॉट होता अगर 6 मिल जाता तो, लेकिन मिल जाता तो अभी मिल जाएगा भाई, परफेक्ट टाइमिंग है, फील्डर मौजूद है लेकिन मेरे भाई डाइव मार देता, थोड़ा सा फील्ड का अच्छा प्रदर्शन होता तो ये शॉट रुक सकता था, कैच आउट नहीं तो कम से कम बाउंड्री रुक सकती थी। फील्डिंग की बात की जाए तो बड़ा ही ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है अभी तक न्यूजीलैंड का। एक टाइम था जब न्यूजीलैंड की टीम थी वो फील्डिंग के लिए जानी जाती थी, जब ब्रेंडन मैकुलम वगैरह फील्डर थे इसके अंदर,
दूसरा ओवर कंप्लीट होने को आ गया है, न्यूजीलैंड बना चुका था 17। लास्ट बॉल पे शायद डबल की ट्राई कर सकता है, बिल्कुल नहीं, सिंगल निकाला है। दो ओवर कंप्लीट, नेपाल के रन हो चुके हैं भाई 18। 9 की रन रेट से टीम की स्थिति चल रही है अभी तक, और विकेट्स वाला जो पड़ा है वो बात की जाए तो पूरा सूखापन है अभी तक, क्योंकि विकेट्स अभी तक कुछ मिला नहीं है अपने को। आशा करते हैं इस ओवर में निकालने की होगी, थोड़ी फील्ड को चेंज किया जाए, थोड़ा बदलाव लाया जाए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो विकेट मिलने का मुश्किल लग रहा है मुझे तो। फिर से मीडियम फास्टर को बुलाया है, उठा के खेला है, फील्डर मौजूद बिल्कुल नहीं है भाई, मौजूद होता तो भी कोई काम नहीं था। सिक्स गया भाई नेपाल को, एक और सिक्स, और इसी सिक्स के साथ नेपाल का जो स्कोर है वो जा पहुंचा 24 रन पे। तीसरा ओवर है, अभी भी मौका है नेपाल के पास, क्योंकि 3 ओवर बच रहे हैं और 3 ओवर में तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते यार, 3 ओवर में आप रन पहुंचा सकते हो आराम से 70 के आसपास अगर खेल अच्छा दिखाओ तो। फ्लिक किया है, फाइन लेग की तरफ सिंगल मिल जाएगा आराम से, डबल की बिल्कुल ट्राई नहीं की क्योंकि मौका था, अगर डबल की ट्राई करते तो डबल भी मिल सकता था। फिर से गुड लेंथ पे बॉल, उठा के बिल्कुल नहीं खेला है, फील्डर के पास गई सीधी, बिल्कुल गैप नहीं मिला। तो भाई लास्ट ओवर की जो समरी थी, लास्ट ओवर बड़ा ही किफ़ायती रहा था बैटिंग टीम के लिए। कैच का कॉल है लेकिन नहीं भाई, पहुंची नहीं बॉल, फील्डर मौजूद था लेकिन बॉल थी डायरेक्ट, पहुंची नहीं पाई फील्डर के पास, अगर बॉल पहुंच जाती तो पहला विकेट मिल जाता। तो भाई मैं बात कर रहा था लास्ट ओवर बड़ा ही किफ़ायती रहा था बॉलिंग टीम के लिए, सिर्फ 7 रन मिले थे, और 5 ओवर के मैच में कैच का कॉल हो सकता है, कैच आउट हो सकते हैं, बिल्कुल भाई पहला विकेट मिलेगा न्यूजीलैंड को, बॉलर आए थे, मैं सोच रहा था इस ओवर में विकेट मिलेगा, मिल गया, नेपाल का पहला झटका, और न्यूजीलैंड की झोली में जो विकेट का एक सूनापन था वो ख़त्म हो गया। अब स्लोअर वन से चकमा दिया पूरी तरह से, बैट्समैन को स्टेप आउट किया था थोड़ा सा, और लंबा खेलना चाहते थे उठा के, लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हुई भाई क्योंकि स्लोअर बॉल थी, फील्डर कोई गलती नहीं करते हुए सीधा हाथों में, नए बैट्समैन क्रीज पे। फिर से एक बार स्लोवर की ट्राई करेंगे, क्या विकेट मिल जाएगा, ट्राई तो है लेकिन भाई इस बार स्लोवर में चकमा देने में नाकाम रहा बॉलर, बैट्समैन ने पहले ही पढ़ लिया था बॉल को और जड़ दिया एक लंबा सिक्स। बॉलर के सर के ऊपर से सिक्स था भाई, फिर से रन रेट आ पहुंची है 10 से ऊपर की, 3 ओवर में 32, एक विकेट के नुकसान पे। फिर से फास्टर को बुलाया भाई, क्योंकि अपनी टीम में फास्टर का तो ये मान लो जमावड़ा ही है पूरा, स्पिनर से बॉलिंग करवाते नहीं है। फिर से उठा के खेला है, फील्डर मौजूद है, क्या कैच हो जाएंगे, विकेट मिलेगा पहली बॉल पे नए बॉलर को, स्लोवर फेंकने में ये गलतियां करता है बैट्समैन और आपको विकेट दे बैठता आसानी से बिना कोई ट्रिक लगाए, बस धीरे बॉल फेंकिए, थोड़ा टर्न करवा दीजिए, गुड लेंथ पे फेंकिए, सामने सर से ऊपर से खेलेगा और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर रख लीजिए, आउट हो जाएगा आराम से। तो भाई एक सेट बैट्समैन 7 बॉल में 10 रन बना के आउट। नेपाल की इनिंग पे थोड़ा खतरा भी मंडराता हुआ, चौथे ओवर की दूसरी बॉल, पहली बॉल पे अच्छा विकेट मिला था, दूसरी बॉल पे भी चांस है विकेट मिलने का, बिल्कुल मेरे भाई, दो बॉल पे लगातार 2 विकेट लेके बॉलर ने साबित कर दिया अपने आप को, और बड़ा ही अच्छा कैच था पॉइंट की डायरेक्शन में, डीप पॉइंट पे जो फील्डर था कोई गलती नहीं की, आगे भाग के एक मुश्किल कैच को आसान में बदला और बॉलर को अच्छा विकेट दे दिया,
भाई आगे भाग के कैच पकड़ना मुश्किल होता है। और नेपाल के बैट्समैन पहली बॉल खेली थी, उठा के खेलना चाहते, इतनी काय की जल्दी हो रही थी मेरे भाई। पहली बॉल में डक पे आउट, जीरो रन थे आपके। अभी है अपने बॉलर हैट्रिक पे, अगर मिल गई ना तो मज़ा आने वाला है। हैट्रिक बॉल है, उठा के अगर खेलेंगे तो मौका था, लेकिन भाई बैट्समैन ने डिफेंड करके सिंगल निकालने में समझदारी समझी। करंट रन रेट अभी 10 से नीचे की आ गई है, जैसे ही दो विकेट पड़े ना नेपाल की पारी के ऊपर, एक तरह से वो क्या बोलते हैं, खतरा थोड़ा सा भारी हो गया है। फिर से फील्डर मौजूद है, पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, गैप मिल गया था, निकाल लिया, तेज शॉट था, चौका मिलेगा नेपाल को। और इसी चौके के साथ जो नेपाल का स्कोर है वो 40 के नज़दीक जाता हुआ, क्योंकि 37 हो चुका है, मुझे रोकना था 40 से नीचे नीचे। एक ओवर अभी भी बचा है, सिक्स जाएगा, बड़ा ही लंबा और प्यारा शॉट था। स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था अंदरूनी किनारा लग के मुझे विकेट मिलने की, वो तो अभी तक मिला नहीं है यार, वो सपना ही रह जाएगा, मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपको सिर्फ मिलता है स्पेशल डिलीवरी पे, और स्पेशल डिलीवरी करने जाओगे तो भैया हो जाएगी नो बॉल। कि जहाँ पे आपको ग्रीन जोन दिख रहा है उसके पास में देख लीजिए एक रेड जोन भी है, और रेड जोन मतलब खतरा। चौथे ओवर की लास्ट बॉल, उठा के नहीं खेला, पॉइंट की डायरेक्शन में ड्राइव लगाया, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा आराम से। इसी सिंगल के साथ इस ओवर की समरी रही भाई, दो विकेट मिल गए, रन मिले 12, तो रन से रोकने में नाकाम रहे, लेकिन विकेट दो मिल गए, वो भी लगातार दो बॉल पे दो विकेट। कहानी यहाँ पहुँची है लास्ट ओवर पे, और अपन बुलाते हैं अभी स्पिनर को लास्ट ओवर में। आखिरी ओवर का जो पड़ा वह फर्स्ट इनिंग्स का वो आ पहुँचा है, देखते हैं नेपाल अपनी इस जो ट्रेन को जिन्होंने चलाया वो कहाँ पहुँचा पाती है इसको। उठा के खेला, फील्डर मौजूद है, पहली बॉल पे विकेट मिलने का चांस है, बिल्कुल भैया मिलेगा। धीरे बॉल फेंकने का रिजल्ट बड़ा ही कमाल का होता है, आपने देख लिया होगा, मैंने इतने विकेट लिए सारे स्लोअर बॉल्स पे लिए। बॉलर आया था, आते ही पहली बॉल पे एक खुशी दे गया न्यूजीलैंड को, भाई आउट भी किया किसको, सेट बैट्समैन को, 1-4 लगाया था, 1-6 लगाया था, पूरी तरह से लय में था बैट्समैन। अभी 5 बॉल अभी भी बची हुई है, कहानी किधर भी जा सकती है, 44 ऑलरेडी हो चुके हैं। स्वीप लगाया है मिड विकेट पे, फील्डर मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिल सकते हैं, लेकिन एक ही भागेगी नेपाल। फिर से स्लोवर की कोशिश होगी, गुड लेंथ पे लेंथ रखेंगे, उठा के खेला, फील्डर मौजूद है, क्या पहुंच पाएगी भाई, नहीं, पहले ही बाउंस, रिजल्ट हुआ कि विकेट नहीं मिलेगा, रन मिल गए 2। अच्छी रनिंग थी इस बार, जो काफ़ी बार इन्होंने 1 रन भागा, जो 2 रन भागने चाहिए थे, क्योंकि अगर वो सब ये कर लेते ना तो यहाँ पे इनके रन कम से कम 60 पहुँच सकते थे नज़दीक में। कमाल का शॉट खेला भाई, बड़ा ही प्यारा शॉट था, मिड विकेट की डायरेक्शन में परफेक्ट टाइमिंग थी, कदमों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, फ्रंट फुट पे खूबसूरत शॉट। तो भाई नेपाल ने 6 के साथ अपनी जो रन रेट है वो 11 से ऊपर पहुंचा दिए। देखो फिर से उठा के नहीं खेला, मुझे लगा स्वीप करके उठा के खेलेंगे, लेकिन नहीं, अभी अगर 2 भागे डायरेक्ट हिट हो सकता है, चांस है रन आउट का, क्या बात है यार, ये मैं रिप्ले में देखूंगा, बड़ा मज़ा आया मुझे इसे। एक बार फिर देखिए, फाइनल की तरफ स्वीप किया था, और खूबसूरत फील्डिंग की परफॉर्मेंस अब देखने को मिल रही है न्यूजीलैंड की तरफ से, जब इनिंग्स ख़त्म होने वाली है तब, और ये डायरेक्ट हिट था, लेकिन जो बैट्समैन की डाइव थी उसने उसको बचा लिया।
भाई फिर से स्वीप करके मिड विकेट की तरफ खेला, जो बॉल थी ऑफ साइड की यॉर्कर उसको फुट स्टेप्स का मूवमेंट करके लेग में लाया गया। इसी के साथ पहली इनिंग्स की जो ट्रेन थी वो रुक चुकी है। रुकी कहाँ जाके, 56 पे। सबसे ज़्यादा रन बनाए भाई इन्होंने, 18 रन 6 बॉल में, 2 सिक्स लगाए थे बड़े बड़े, 300 की स्ट्राइक रेट से खेले थे। अभी बारी आ चुकी है अपनी, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे बैटिंग के ऊपर। तो भाई बात करते हैं रिक्वायर्ड रन रेट की, तो रिक्वायर्ड रन रेट है 11 से ऊपर की, 11.40 की रिक्वायर्ड रन रेट है। न्यूजीलैंड के दोनों बैट्समैन क्रीज पे आ चुके हैं। वैसे देखने में ये होगा कि विराट और धोनी न्यूजीलैंड में क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई टीम तो अपनी वही रहेगी ना। पहला ओवर निकलवाएंगे स्पिनर से, ये बड़ा अजीब लगता है यार, स्पिनर को आप ओवर देते हो ना तब। फिर से रन आउट होने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छी रनिंग थी दोनों की। भाई फिर से डबल की ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो यार जल्दीबाजी में आके होश नहीं खोने, यार होश खो गए तो सीधा यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा हार का, और मैं नहीं चाहता न्यूजीलैंड आज हार जाए। मैं क्या, आप भी नहीं चाहते होंगे यार, इतने तो फैन हैं आप न्यूजीलैंड के, और बहुत कम लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि नेपाल यहाँ पे जीते भाई। और इस चीज़ से मुझे याद आ गया कि भाई देखो न्यूजीलैंड की सेकेंड इनिंग्स आ चुकी है, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया ना, तो भाई वो तो बहुत बड़ी गलती होने वाली है। देखो जितने लोग देख रहे हो, देखने वाले हो, लाइक करिए यार, मुझे भी थोड़ा पता चले कि यार आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं। फिर से भाई रन आउट, यार ये गलती हो गई यहाँ पे, ये मतलब सस्ते में विकेट दे दिया बिना कोई गलती के, फालतू में भाग के जोश जोश में आके नेपाल को विकेट दे गए। आराम से दो दो रन बन रहे थे, एक ओवर में 12 रन बन जाते। लास्ट बॉल है भाई, और अर्ली टाइमिंग के साथ भाई खाली पहले ओवर में भाई न्यूजीलैंड के रन बने 7, और अभी मुझे लग रहा है दूसरे ओवर से थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो जीतना एकदम नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर इस ओवर में कोई कमाल नहीं कर पाए तो जीतना भूल जाइए मेरे भाई। परफेक्ट टाइमिंग है, बड़ा सिक्स जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला इसको। कितने फील्डर लगा लीजिए बाउंड्री पे, एक के ऊपर एक चढ़वा के उछला लीजिए, लेकिन इस शॉट को कोई नहीं रोक सकता। MS धोनी स्टाइल में जो है हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, बड़ा प्यारा शॉट और लंबा सिक्स जड़ा है। भाई चेन्नई का ये ग्राउंड जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है इतने बड़े बड़े सिक्स, देख लीजिए आप इनको। फिर से ट्राई होगी कवर्स के ऊपर से खेलने की, अगर टाइमिंग अच्छी मिल गई तो शॉट मिल सकता है। सिक्स का ट्राई था, लेकिन मिलेगा चौका। न्यूजीलैंड की, अरे भाई क्या ही बात, नो बॉल। नेपाल अब कहाँ जाओगे तुम, अब तुम्हारी किस्मत तुम पे ही भारी पड़ रही है। अगर आप फोर दे रहे हो पहली बॉल पे सिक्स, प्रेशर में आके फोर दे रहे हो, और साथ ही दे रहे हो नो बॉल। अब मुझे मिल चुकी है फ्री हिट, और फ्री हिट में आदमी हो जाता है फ्री। देखो फिर वो जड़ के मारता बड़ा, फिर से यार परफेक्ट टाइमिंग से थोड़ा पीछे रह गया, वरना सिक्स मिलता फ्री हिट पे। लेकिन अपन चार से संतुष्ट होंगे, चौका मिला है लगातार तीसरी बाउंड्री तीसरी बॉल पे। और इसी बाउंड्री के साथ जो न्यूजीलैंड का स्कोर लाइन है वो अभी देख लेते हैं कहाँ पहुँच गया है। 22 पे पहुंच गया मेरे भाई, तो 22 बहुत रन हो चुके हैं अभी के लिए, तो इस ओवर के लिए। तो अभी अर्ली टाइमिंग आ गई, यहाँ जोश में आके विकेट नहीं मिला वो बहुत बड़ी बात है यार। भाई इस ओवर की समरी देख लीजिए, पहली तीन बॉलों में ही बता दिया न्यूजीलैंड क्या टीम है। जो एक गलती की थी रन आउट वाली, वो गलती बड़ी ख़राब थी, वरना मैं 10 विकेट से ये मैच जीतना चाहता था। लेकिन ज़्यादा लालच भी काम का नहीं है ना यार। तो भाई फिर से पुल शॉट खेलने की ट्राई होगी यहाँ पे, अगर टाइमिंग अच्छी आ गई तो गैप मिलेगा, चौका मिला भाई। तुम शॉट बॉल दो, मैं पुल दिखाऊंगा तुमको।
शॉर्ट बॉल के लिए जो सबसे प्यारा शॉट माना जाता है, रोहित शर्मा का पसंदीदा पुल शॉट। एक तो रोहित शर्मा खेलता है, दूसरा तुम्हारा भाई खेलता है। देखिए तो भाई, ये काफ़ी बड़ा ओवर हो चुका है न्यूजीलैंड की, मतलब जो क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो। फिर से गैप नहीं मिलेगा इस बार, डबल की ट्राई कर सकते हैं और आराम से डबल मिल जाएगा क्योंकि स्प्रिंट वाला फीचर मौजूद है क्विक प्ले में। और इसी ओवर के कंप्लीट के साथ एक रनों पे समरी मारी जाए तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं भाई। गुड्डू भैया जो आए थे 6 बॉल में 21 रन बना चुके हैं और टीम का टोटल हो चुका है 30 रन अभी आ चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड साइड फास्ट बॉलर आए, नहीं बिल्कुल भाई स्पिनर को बुलाया इस बार, क्या करना चाहते समझ नहीं आ रहा। ओ भाई LBW अपील क्यों नहीं की, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं था, सीधी जाके पैड पे लगी थी। सिंगल की ट्राई करेंगे, गुड्डू भैया को वापस स्ट्राइक देंगे क्योंकि भाई गुड्डू भैया लय रहे हैं आज लय में। तो 16 बॉल में 26 रन चाहिए अभी न्यूजीलैंड को। फिर से गुड्डू भैया ने अपनी लय दिखा दी, लेकिन भाई इस बार गैप नहीं मिला, अगर गैप मिल जाता तो चौका मिलता। रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 10 की 10 चाहिए। और डबल की ट्राई करेंगे यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम है। तो लास्ट ओवर के मुकाबले ये ओवर देखा जाए तो काफ़ी हल्का निकल रहा है, 14 बॉल में 23 रन चाहिए। फिर से शॉर्ट बॉल दे रहे हो, मैं पुल दिखाऊंगा, अगर गैप मिलेगा तो फिर से पुल पे मिलेगा चौका, लेकिन इस बार शॉर्ट था थोड़ा धीरे, आउटफील्ड ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। फिर से ओप में फुल टॉस दी है, गैप मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फुल गैप मिला है, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद था। अगर फील्डर नहीं होता तो कहानी यहाँ पे दूसरी होती, जो रन 2 मिले यहाँ पे मिल जाते अपने को 4। तो इस रन की जो एक समरी की बात की जाए तो वो समरी है भाई देखो 8 रन, 3 ओवर के कंप्लीट होने के साथ अपने रन हो चुके हैं 38, 1 विकेट के नुकसान पे जो कि गलती की वजह से पड़ा, रन आउट हो गए। फिर से स्पिनर को नहीं बुलाया, मीडियम फास्ट को बुलाया। भाई चौथा ओवर स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 2 ओवर बचे हैं और बात की जाए तो 11 बॉल में 18 रन चाहिए। आप बोले तो इसी ओवर में फिनिश करने की ट्राई करते हैं, देखो यार मुझे पता नहीं आउट होने का भी चांस है। ओ भाई मिस कर गए, बीट हो गए, काफ़ी अच्छी बॉल थी, बहुत ही अच्छी आउट स्विंगर। फिर से सिंगल निकालते हैं यार क्योंकि लास्ट बॉल पे बीट हो गए तो वापस मैं नहीं चाहता बीट हो जाना। अभी बात की जाए 9 बॉल में भाई रन चाहिए 17, अभी बाउंड्री चाहिए ही चाहिए, देखो इस बॉल पे बाउंड्री चाहिए ही चाहिए। फिर से गैप मिला है, 2 रन की ट्राई होगी, बाउंड्री तो नहीं मिलेगी लेकिन 2 रन मिल जाएंगे, कैच आउट का चांस था अगर गैप नहीं मिलता तो, फील्डर मौजूद नहीं था, किस्मत दे गई साथ। परफेक्ट टाइमिंग थी भाई, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ, टाइमिंग क्या कर सकती है। अभी थोड़ा लेट खेलना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन जोन है बिल्कुल लेट। फिर से वही गलती, अब भाई 1 ओवर में रन चाहिए 15 और सामने आए भाई नेपाल के सबसे बेस्ट बॉलर संदीप लम्बीचा ने, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भाई बहुत नाम है इनका देखो, और इनकी तो यही ट्राई होगी ना कि मतलब अपनी टीम को जिताया जाए। अभी भाई 4 बॉल में 14 रन चाहिए और उम्मीद होगी कि गुड्डू भैया जिताने में मतलब बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो भैया जी, फिर से उठा के खेलने का ट्राई था, मिलेगा सिर्फ सिंगल। तो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाएगी नॉकआउट क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं है अगर 6 विक्स नहीं मिला ना तो अपने को। फिर से टाइमिंग तो अर्ली थी, कैच आउट हो गए भाई, कोई मौका नहीं है अब न्यूजीलैंड के पास। इसी बॉल के साथ कहानी भी साफ हो गई, जिस टीम को अपन छोटा बता रहे थे स्टार्टिंग में नेपाल की,
वो यहाँ पे अपने को मात दे गई और भाई कर गई एक बड़ी टीम को बाहर। और भाई देखो अभी भी थोड़ी स्थिति साफ नहीं हो रही है, क्योंकि भाई देखो दो बॉल बाकी है, रन चाहिए 13। उठा के खेला है, क्या सिक्स मिलेगा? नहीं भाई, अभी तो अगली बॉल पे, अगर इस पे सिक्स मिल जाता तो अपन टाई कर सकते थे मैच को, लेकिन मिलेगा 4। एक बॉल में रन चाहिए 9, अगर सिक्स भी मार दे तो 2 रन से हार जाएंगे भाई। अगर 9 बॉल दे देना तो बड़ा कमाल का मैच होने वाला है। अभी तो किस्मत पे डिपेंड है, अगर ये वाली 9 बॉल आ गई ना तो न्यूजीलैंड के पक्ष में होगा मैच। एक बॉल में 9 रन चाहिए, चांस 9 बॉल का हो तो मज़ा आ जाएगा। सिक्स तो गया है, क्या 9 बॉल थी, क्या 9 बॉल थी, सिक्स है, 9 बॉल नहीं थी मेरे भाई। और इसी सिक्स के साथ नेपाल ने एंट्री मार ली है क्वार्टर फाइनल्स में, और न्यूजीलैंड भाई इस नॉकआउट टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है कुछ मेरी गलतियों की वजह से, क्योंकि एक तो रनआउट हो गया था और भाई एक ओवर थोड़ा ज़्यादा हल्का निकल गया था। लेकिन बैटिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, एकदम अंत तक ले गया मुकाबले को, 2 रन से हार गई। भाई देखो कोई बात नहीं, जब हारेंगे तभी तो जीतने का पता चलेगा कि जीतने में कितना मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे यार नेपाल के सामने न्यूजीलैंड जीतनी चाहिए थी। और ये रहे अपने मैन ऑफ द मैच 6 बॉल में जिन्होंने 18 रन बनाए और अपनी टीम के लिए लिख दी भाई जीत की ये कहानी। और इन्हीं की इनिंग्स की वजह से मैं बात करूँ तो नेपाल को जीत मिल गई, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा ये मेरे लिए भी और काफ़ी आप लोग जो देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि सब लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई नेपाल के सामने तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी, क्योंकि भाई ये गेम है देखो यार। और भाई गेम के अंदर कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, डिपेंड करता आप कैसी बॉलिंग कराते हो, कैसी आप फील्डिंग करते हो, कैसी बैटिंग करते हो। मुलाकात होगी आपसे अगले मैच में।